हेलो दोस्तों, YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है। जब भी आप अपनी वीडियोज अब अपलोड कर रहे होंगे, एक चेक्स नाम का आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। यानी कि पहले जो था, जिनका चैनल मोनेटाइज था तो उन्हें एड सूटेबिलिटी और मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा होता था। लेकिन अभी जो है मोनेटाइजेशन, एड सूटेबिलिटी और एक चेक्स का जो है ऑप्शन मिल रहा होगा। ये चेक्स का क्या झंझट है, चलिए आज हम लोग एक्सप्लेन के साथ में इस वीडियो में जानते हैं कि ये चेक्स आखिर दिया क्यों है यूट्यूब ने। तो इसमें यह है कि एड सूटेबिलिटी में आपको सबसे पहले वीडियो अपलोड करते वक्त आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले दिखाना होता है कि हमारी वीडियोज़ के अंदर में क्या है। यानी कि यदि आपने कोई कंटेंट बनाया हुआ है, क्या हुआ हैरेसमेंट है यानी एडल्ट है, या फिर किसी कौन से टॉपिक्स पर है, यदि यूट्यूब मैसेज को ऐसा लगता है कि हमारी जो आपने कंटेंट अपलोड किया हुआ है तो उस पर वह कॉपीराइट डाल देता है। यानी कि कॉपीराइट आपके चैनल पर यानी कि आपके वीडियोज़ पर आने नहीं चाहिए, वह आपका शुद्ध कंटेंट था, फिर भी आपके इस वीडियोज़ पर आ जाता है कॉपीराइट। तो इसी को हटाने के लिए एड सूटेबिलिटी जो है चैनल मोनेटाइज होने के बाद में ही सबको मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता होगा चेक्स का। तो ये चेक्स से आपको ये झंझट दूर हो जाएगा कि इस चेक्स के जरिए आपको कॉपीराइट और एड सूटेबिलिटी दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो जिनके भी वीडियोज पर कॉपीराइट मटेरियल होगा तो यहाँ पर चेक्स के द्वारा यहाँ पर यह प्रोसेसिंग कर लिया जाएगा। यानी कि पहले जो है था प्रोसेसिंग करते वक्त 95% प्रोसेसिंग आपको दिख रहा होता था, वीडियो आपको प्रोसेसिंग लेकर, लेकिन अब जो है प्रोसेसिंग के बाद में यानी कि आपकी वीडियो जो है अपलोड होने के प्रोसेसिंग के जस्ट बाद अब आपको चेक्स जो है लिखा हुआ यानी कि चेक्स प्रोसेसिंग लिखा हुआ मिलेगा। इसे जो है 100% वेरीफाई होने के बाद में आपकी वीडियोज में क्या है वह कॉपीराइटेड है, यानी कि आपने किसी और का कंटेंट उठा करके अपने चैनल पर अपलोड किया है, या फिर ऐसी आपने कंटेंट अपलोड किया है जिससे लोगों को दिक्कत होता है, यानी कि आप बोल सकते हो यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, यानी कि आपका यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसे आप तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्राइक्स या फिर जो भी था यानी कि क्लेम वगैरह वगैरह जो भी मिलने वाला है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना, ठीक है, यहाँ पर एड सूटेबिलिटी, और इसे आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं यदि आपने वह कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं किया है। तो यही चेक्स का मतलब है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी किस तरह से यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।